नमस्कार, आज हम आपके सामने बनाएंगे तवे के सैंडविच। ये बहुत ही आसान तरीके से बन जाते हैं और खाने में भी बहुत ही स्वादिष्ट लगते हैं। तवे के सैंडविच बनाने के लिए मैंने लिए हैं 2 छोटे उबले हुए आलू, जिन्हें मैंने बारीक काट लिया है। अब हम इसमें डालेंगे 1 छोटी कटी बारीक कटे प्याज, 1 छोटा कटा हुआ टमाटर जो मैंने बहुत ही बारीक काटा है। इसमें डालेंगे हम 1 हरी मिर्च बारीक कटी हुई, कुछ हरे धनिए के पत्ते जो मैंने पहले से ही काट रखे हैं। अब हम इसमें डालेंगे कुछ मसाले, नमक 1/2 कम चम्मच, काली मिर्च बारीक पीसी हुई 1/2 चम्मच से कुछ कम, और हम इसमें लेंगे काला नमक। इसमें काले नमक का बहुत ही स्वाद है, ये भी हमने 1/2 चम्मच से कम लिया है। अब हम इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें डालेंगे कुछ अमचूर पाउडर, यदि अमचूर पाउडर नहीं डालना है आपको तो आप चाट मसाला भी डाल सकते हैं। और इसमें हम 1 चम्मच डालेंगे चीज स्प्रेड। चीज स्प्रेड का टेस्ट हर किसी के टेस्ट में नहीं होता, यदि आपको पसंद है तो डालिए, बाकी इसका सैंडविच पे कोई फर्क नहीं पड़ता, टेस्ट ही बनते हैं बस। पेस्ट बन गया है हमारा, तैयार हो गया। अब हम इन्हें ब्रेड पर पेस्ट को लगाएंगे इस तरह से। इतनी देर में हमने तवा भी गर्म होने के लिए रख दिया है। ये देखिए, हम इस तरह से पेस्ट लगा के इसको कवर करके चारों तरफ से, और इसके ऊपर हम दूसरा सैंडविच इस तरह से कवर कर देंगे। अब हम इन्हें सेकेंगे तवे के ऊपर। तवा गर्म हो गया है और हमने इसके ऊपर सैंडविच को सेकने के लिए रख दिया है। अब हम सैंडविचों को चेक करेंगे कि ये एक साइड से सिक गए हैं या नहीं, और इन्हें पलट देंगे। ये सिक गए हैं एक साइड से और हमने इन्हें पलट दिया, ऐसे ही हम दूसरे सैंडविच को भी पलट देंगे। गैस को मीडियम रखेंगे। सैंडविच दोनों तरफ से सिक गए हैं, हमने इन्हें थोड़ा सा पलटे से इस तरह से दबाया है जिससे आलू का पेस्ट ब्रेड के साथ चिपक जाए, और पलटने में ये सारा इसका जो पेस्ट है वो ब्रेड से बाहर ना निकले। ये देखिए, दूसरी साइड से भी सिक गए हैं। ऐसे ही दोनों सैंडविचों को हम उतार लेंगे। तवे के सैंडविच बनकर बिल्कुल तैयार है। यदि आपको मेरे बनाने का बिल्कुल सरल तरीका पसंद आया हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।